हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसी हमारी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हमें बैकग्राउंड पे कोई ऑडियो या लाइट म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज़ कीजिए, मैंने यहाँ पर एक नेचर की प्रेजेंटेशन ली है। सिमिलरली, अगर आप कोई अपने फैमिली फ़ोटोग्राफ्स दिखाना चाहते हैं तो पीछे एक लाइट म्यूज़िक जो है ऑडियो आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब के अंडर मीडिया ग्रुप में जाना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगी, एक है वीडियो, दूसरी है ऑडियो और थर्ड है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको ऑडियो इंसर्ट करके दिखाऊँगी। ये फीचर आपको 2016, 2019 एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है। तो ऑडियो इंसर्ट करने के लिए आपको ऑडियो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शंस हैं, ऑडियो ऑन माय पीसी एंड रिकॉर्ड ऑडियो। ऑडियो ऑन माय पीसी का मतलब है कि ऑलरेडी आपके सिस्टम पे कोई ऑडियो पड़ी है और उस ऑडियो को आपने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। रिकॉर्ड ऑडियो में आप अपनी वॉइस में कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको एज अ बैकग्राउंड आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो ऑन माय पीसी यूज़ करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक ऑडियो है, उस ऑडियो को मैं अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करूँगी। तो मुझे ऑडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट ऑडियो का बॉक्स ओपन हो गया है। तो ये मेरी ऑडियो है, इसको मैं करूँगी इंसर्ट। तो अब आप देख सकते हैं एक आइकन अपीयर हो चुका है ऑडियो का। जैसे ही आइकन अपीयर हुआ, ऊपर आप देखिए दो चीज़ें हाईलाइट होगी, एक है ऑडियो फॉर्मेट और दूसरा है प्लेबैक। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऑडियो को चला के दिखाती हूँ। इसको रन करने के लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मेरी सेकंड स्लाइड आई, मेरे जो ऑडियो थी वो बंद हो चुकी है। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले हम प्लेबैक में जाएंगे। प्लेबैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑडियो ऑप्शंस। इन ऑप्शंस की हमें सेटिंग करनी है। जब हम ये सेटिंग्स कर देंगे तो हमारी जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली हर स्लाइड के लिए चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले है स्टार्ट की ऑडियो, जो स्टार्ट कैसे हो, यहाँ पे इन क्लिक है कि जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपकी ऑडियो जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑटोमेटिकली प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे। लूप अनटिल स्टॉप्ड, इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं होती तब तक आपकी जो ऑडियो है वो चलती रहे। कई बार देखिए ऐसा होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ऑडियो क्लिप हमारा बहुत छोटा होता है, तो हमारी ऑडियो बंद ना हो तो इसलिए हम उसको उसकी लूपिंग करते हैं। नेक्स्ट है हाइड ड्यूरिंग शो। ये ऑप्शन क्या करेगा, ये जो आपके ऑडियो क्लिप का आइकन है, जब आपकी प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट करनी है तब ये हो जाएगा हाइड, अदरवाइज ये विजिबल रहेगा। नेक्स्ट है रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, मतलब जब आपकी ऑडियो एक बार ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से वो चलनी स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी हमारी ऑडियो की ऑप्शंस हैं। अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट चेकबॉक्स को टिक नहीं करना है तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया, दैट इज़ ऑडियो स्टाइल्स। अगर तो देखिए आप नो स्टाइल करेंगे तो जितने भी ये चेकबॉक्स मैंने टिक किए हैं वो क्या हो जाएंगे, अनचेक हो जाएंगे, ये देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्ले इन बैकग्राउंड। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं ये सारी की सारी मेरी जो सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में ये फीचर है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी प्ले इन बैकग्राउंड, तो ऑडियो की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रेजेंटेशन को रन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कैसे मेरे प्रेजेंटेशन के पीछे ऑडियो जो है वो क्लिप रन हुआ। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे आप ऑडियो क्लिप को इंसर्ट करेंगे दो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, एक है ऑडियो फॉर्मेट और दूसरा है प्लेबैक। पहले अगर बात करें ऑडियो फॉर्मेट की, जैसे कि इसका नाम है ऑडियो फॉर्मेट, लेकिन हम यहाँ पे किसी भी ऑडियो की फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत इसमें जो है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं इस आइकन का, तो यहाँ पे देखिए ये कलर की ऑप्शंस है। यहाँ पे ब्राइटनेस अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करना चाहते हैं, इसकी पिक्चर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी जो ऑप्शंस है आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगी। हाइट एंड विड्थ आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ प्लेबैक की, तो जैसे मैंने ऑडियो ऑप्शंस के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी ऑडियो स्टाइल से हो जाती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ प्ले, यहाँ से आप अपने ऑडियो का प्रीव्यू ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से तो दूसरा ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क की हेल्प से आप अपने ऑडियो में कोई भी बुकमार्क इंसर्ट करवा सकते हैं इस क्लिप में। तो सबसे पहले जैसे अगर आपने कोई बुकमार्क इंसर्ट करवाना है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने बुकमार्क इंसर्ट करवाना है, तो मैं ऐड बुकमार्क पे क्लिक करूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुकमार्क है वो इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस काम करती हैं, एक तो इस बुकमार्क को आपने रन करवाना है, मतलब यहाँ से आपने अपनी ऑडियो को चलाना है, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपने इस पॉइंट से अपनी ऑडियो को रन नहीं करना, इससे पीछे से करना है फ्रॉम दी स्टार्टिंग। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं विद दी हेल्प ऑफ टू कमांड्स, एक है ऑल्ट एंड और दूसरा है ऑल्ट होम। तो चलिए यहाँ से अपने म्यूज़िक को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लिप में बुकमार्क जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिम ऑडियो। अगर आपने अपनी ऑडियो को ट्रिम करना है, इसकी लेंथ कम या ज़्यादा करनी है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपने चेंज करना है या एंडिंग पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी जो ऑडियो है वो क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। नेक्स्ट है फेड ड्यूरेशन। अगर आपने कोई ऑडियो क्लिप को कोई फेड इफेक्ट देना है कुछ सेकंड्स का, ऑडियो स्टार्ट होने पे या ऑडियो एंड होने पे, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरी वॉल्यूम की। आप इस ऑडियो क्लिप के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, लो करना है, मीडियम, हाई या फिर म्यूट। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको ऑडियो क्लिप के साथ अवेलेबल हैं, एक है ऑडियो फॉर्मेट और दूसरी है प्लेबैक।
तो इस तरह आप किसी भी अपनी प्रेजेंटेशन में अगर आपने लाइट म्यूजिक ऐड करना है बैकग्राउंड पे, तो वो आप ऑडियो फीचर की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।